हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने लाए हैं 24 वोल्ट स्टार्टर मोटर, जिसका गाड़ी में स्टार्ट नहीं हो रहा है और इसको खोलने के बाद इसका रोकर और कार्बन दोनों शॉर्ट हो गया है। इसका नया रोकर लाए हैं, रोकर में कार्बन फिट कर चुके हैं और इसमें इसका आर्मेचर को देखिए, आर्मेचर सब ठीक है, रोकर शॉर्ट हो गया है। आज आपको हम 24 वोल्ट स्टार्टर मोटर रिपेयर करने का उसके बाद हम इसका फिल कॉल में कार्बन को वेल्डिंग कर रहे हैं। सोल्डिंग करने के बाद वीडियो पर बने रहे, वीडियो के स्क्रिप्ट मत कीजिए, स्क्रिप्ट कीजिएगा तो अब समझ नहीं पाइएगा कैसे काम हो रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। कार्बन को सोल्डिंग कर रहे हैं, पहले कार्बन को हम तार से बांधने के बाद फिर सोल्डिंग कर दिए। सोल्डिंग करने के बाद दोनों कार्बन में आप अच्छी तरह से टेप मार दें। टेप मारने से क्या होगा, ये बॉडी में सटने का संभावना नहीं रहेगा और शॉर्ट होने के ऊपर टट भी नहीं रहेगा और स्टार्टर मोटर इसको बढ़िया से फिटिंग कर ले। उसके बाद रोकर को आप लगा दें। इस रोकर में आपको पीछे से स्प्रिंग को लगाना पड़ता है। पीछे से स्प्रिंग लगाने के बाद चार लॉक रहता है, उस लॉक को बढ़िया से लगा ले। वीडियो पे आप आराम बढ़िया से देख सकते हैं किस टाइप का सही से हम लोग लॉक कर रहे हैं, उस टाइप से आप लॉक करके आराम से काम कर सकते हैं। वीडियो को ज़रा सा स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाइएगा। 24 वोल्ट स्टार्टर मोटर के कार्बन और रोकर चेंज करने का सबसे आसान तरीका। देख लीजिए, जैसे कि टान के दोनों स्प्रिंग को आराम से भर ले, उसके बाद स्प्रिंग को दबा के और एक पचकस के आगे की ओर लगा के हल्का ठेल कर रखने से और आराम से ये चारों स्प्रिंग लग जाएगा। वीडियो पर बने रहे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए वीडियो पे देख पा रहे हैं किस टाइप से तो लगाने में दिक्कत होगा, लॉक हल्का जोर से दबना पड़ता है। जोर से दबने के बाद उस टाइप का थोड़ा टेढ़ा करके लॉक पर लगा लीजिएगा। उसके बाद दोनों मेन दोनों साइड पर पेपर दे दीजिएगा, प्लास्टिक का पेपर चाहिए, फिर इससे शॉर्ट होने का संभावना कम होती है। उसके बाद ऊपर से उस कवर को लगा लीजिए, दोनों साइड 10 नंबर का नट को लगा के थोड़ा टाइट कर ले। उसके बाद बिस्किस की मदद से आर्मेचर को उठा के उसका लॉक लगा ले। लॉक लगाने के बाद दोनों उसके कैप को लगा ले। बढ़िया से टाइट कर ले। कैप का भी बोल्ट को टाइट कर दे, 7-8 नंबर। उसके बाद आप मेन पोस्ट को सोलनॉइड स्विच में लगा ले। सोलनॉइड स्विच में कुछ डिस्टर्ब होने के कारण उसको फिर से खोल के देख रहे हैं। सोलनॉइड स्विच खोलने आसान है, तीन स्क्रू रहता है, तीन स्क्रू को खोल ले, उसका सोलनॉइड स्विच भी खुल जाएगा।
और उसके बाद उसका पिनियन को देखे, देख रहे हैं फ्री है क्या जाम है, पिनियन को चेक कर ले, फ्री सब चेक कर ले। उसके बाद आप फिर से जिस टाइप को खोलिएगा फुल नाइट स्विच को, फिर उस टाइप से आप लगा कर टाइट कर ले। देन इसके बाद हम लोग चेक कर रहे हैं कि हमारा शटर मोटर बन के तैयार हो गया। वीडियो देखने के लिए ये धन्यवाद। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।